वेरी नाइस। सबसे पहले तो सबको श्री गणपति जी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि इनका एक नाम है विघ्नहर्ता, और ये सत्य है, कहते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो सच में देव हैं। और जाहिर सी बात है कि इस शुभ त्यौहार का, और ये हमारे गणपति जी सबको पता है ये गॉड नहीं, इंटरनेशनल गॉड है। इनकी पूजा शास्त्रों में नहीं, देवताओं में नहीं, हर जगह सबसे पहले होती है। और मुंबई इनके ऊपर और माता मुंबा के ऊपर निश्चित ही पूर्ण रूप से टिकी हुई है। ये सही है, सत्य है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मेरे घर में सत्यनारायण जी की पूजा होती थी, तो एक ब्राह्मण जी आते थे पूजा कराने के। वैसे मैं बेसिकली श्रीवास्तव हूँ, कायस्थ हूँ, कश्यप गोत्र है हमारा। तो उनको देख के मेरे मन में कामना होती थी कि काश मैं भी पूजा कराता, लोग बड़ी मान सम्मान करते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं। उस समय बचपन जैसा था, बट मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरी कुंडली जब, अब मैं चूँकि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे, मैंने सारी चीज़ें देखी, तो वो चीज़ें मेरे साथ अपने आप होती चली गई। और सच कहूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के लाइन में, अब जब आपके पीछे अगर कोई गॉड फादर ना हो, और कोई भी ना हो, तो आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इस पूजा पाठ की वजह से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से मुझे कई सारे लिंक मिले फिल्म लाइन में खास करके। तो ये लिंक मेरे लिए काम आता है, टू इन वन। सिज नखत माई सिस्टर एंड मूडी एंड काइंड हार्ट, डेफिनेटली सीज। ऑफकोर्स, हाँ डेफिनेटली पूजा मुझे पूर्ण करानी है। हालांकि दूसरी जगह भी पूजा है, और पूजा करवानी है तो डेफिनेटली यहाँ भी पूरा तो करवाना ही पड़ेगा। 7-8 साल से मेरी गणपति की पूजा वेदांती है, और एक शूट भी कैंसिल हुआ मेरा। अभी गुजरात में शूट कर रहे थे हम लोग, तो वो शूट अचानक से कैंसिल हो गया, तो मुझे गणपति पूजा अटेंड करनी पड़ी, नहीं तो शायद इस बार नहीं अटेंड कर पाता मैं। देखिए मैं चीज़ इसको तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूँ, कैमरे पर आ गया हूँ। May God bless. इसका मेरा ऐसा रिश्ता है कि जैसे अगर कोई त्यौहार होता था, होली दिवाली, तो ये मिठाई के दो ही पीस लेके आता था, एक मेरा और एक इसका, कि मेरी फैमिली तो बस तू ही है मुंबई में। That's true. एक्चुअली US में गणपति विसर्जन अलाउड नहीं है, तो बकेट में विसर्जित करना पड़ता है, और वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड वैसे भी US आर्मी से हैं, तो वो बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि किसी का निरादर करने से अच्छा है कि मत लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा है नहीं कि आप गणपति विसर्जन कर सकें। नहीं, मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हॉलीवुड में भी स्टार्ट कर रही हूँ, बॉलीवुड में भी करूँगी। थैंक यू।